ठीक है गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में अपन लोग कंपैरिजन करने वाले वन प्लस नॉर्ड और वन प्लस एट का, क्योंकि यहाँ पर वन प्लस नॉर्ड जो है बहुत ही बजट रेट फ़ोन है जो कि काफ़ी अच्छी स्पेक्स ऑफर करता है। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे क्या है, कैसा है, क्या डिफरेंस है। तो गाइस, मेरा नाम है अमन सचान और आपका हमारे चैनल टेक्स एंड फैक्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप बात करें लुक की, तो पर्सनली मुझे दोनों ही फ़ोन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे जिसका कैमरा बीच में होता है वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो वन प्लस एट का कैमरा बीच में तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी डायमेंशंस की बात करें तो आप देख सकते हो वन प्लस एट थोड़ा सा बड़ा है नॉट से, बाकी सारी चीज़ें लगभग पूरी इक्वल हैं। यहाँ तक कि आपकी स्पीकर ग्रिल और जो आपका अलर्ट स्लाइडर है, वॉल्यूम बटन्स हैं, बाकी सारी चीज़ें मतलब पूरी सिमिलर दी गई हैं। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ का डिफरेंस है। बाकी गाइस, बात करें स्पीकर की, तो आपको स्पीकर वन प्लस एट में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन वन प्लस नॉर्ड में सिंगल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी कम है नॉर्ड की। बाकी गाइस, इसके अलावा यहाँ पर बात करें बैक की, तो आप बैक देख सकते हो दोनों का ही बहुत तगड़ा है। लुक दोनों का ही बहुत तगड़ा है, दोनों ही ग्लॉसी हैं पीछे से देखने में। बाकी अब आपके डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद आता है। दोनों में ही आपको इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो कि स्क्रीन के अंदर लगा हुआ है, तो वहाँ पर वो चीज़ भी हम लोग टेस्ट करेंगे। बाकी बात करें गाइस स्क्रीन की, तो आप देख सकते हो दोनों की स्क्रीन तगड़ी है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली स्क्रीन को देखते हो तो फिर आपको डेफिनेटली वन प्लस एट की स्क्रीन जो स्क्रीन है वो बेटर लगेगी, क्योंकि स्क्रीन वन प्लस एट की कर्व्ड है और वन प्लस नॉट की कर्व्ड नहीं है, तो वो चीज़ अलग है। मतलब वन प्लस एट थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है देखने में। बाकी गाइज, यहाँ पर हम लोग ज़रा बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की, किसका फिंगरप्रिंट सेंसर फास्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों में हम लोग यहाँ पर फिंगर लगाकर देखते हैं, तो फिलहाल अभी आप देख सकते हो वन प्लस एट थोड़ा सा जल्दी खुला। हम लोग यहाँ पर फिर से ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग फिर से देखते हैं और 1 2 3, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइम नॉट जल्दी खुल गया। ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। फिर से हम लोग देखते हैं, तो आप देख सकते हो फिर से यहाँ पर नॉट जल्दी खुल गया, और अगर हम लोग फिर से यहाँ पर देखते हैं तो ये ऑन हो गया है, सॉरी। तो फिर से हम लोग ज़रा इसमें क्लिक करते हैं, तो यार गाइस हर बार आपका नॉर्ड यहाँ पर ज़्यादा जल्दी ऑपरेट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस एट। और हम लोग और एक दो बार देखते हैं, तो फिलहाल टोटल मुझे लग रहा है कि नॉर्ड का फिंगरप्रिंट सेंसर ज़्यादा फास्ट है, हालांकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही। बाकी फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक में भी आप देख सकते हो यहाँ पर वन प्लस नॉर्ड का जो फेस अनलॉक है वो थोड़ा सा मतलब एकदम आप कह सकते हो 0.01 मिली सेकेंड फास्ट है वन प्लस एट से। बहुत ज़्यादा फ़र्क गाइस इसमें नहीं मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा हाँ यहाँ पर फास्ट है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। बाकी गाइस, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कैमरा की, तो यहाँ पर यार हम लोग नंबर्स पे नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर वन प्लस एट में आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल, और यहाँ पर वन प्लस नॉर्ड में आपको मिल जाता है 48 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 5। तो ये यहाँ पर सारी मतलब नंबर्स हैं। बाकी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्चुअल प्रैक्टिकल में कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पर हम लोग ज़रा एक सैम्पल शॉट लेते हैं। बाकी यहाँ पर नाइट कंडीशन, वीडियो, स्लो मोशन, फ्रंट कैमरा, हर एक चीज़ का हम लोग कंपेयर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट मोड, रूम के अंदर की लाइट की, मतलब हर एक कंडीशन में हम लोग यहाँ पर कंपेयर करके आपको दिखाएंगे कि कौन सा फ़ोन का कैमरा आपको ज़्यादा बेटर है और कौन सा नहीं। गाइस, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो यार प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। डेफिनेटली आप वीडियो के एंड तक समझ जाओगे एग्जैक्टली कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो चीज़ सही है वही चीज़ आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वन प्लस 8 के जो रियर कैमरे से आप 60fps 4K रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन वन प्लस नॉर्ड में सिर्फ 30fps है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गाइज वन प्लस नॉर्ड के फ्रंट कैमरे से आप 4K वो भी 60fps रिकॉर्ड कर सकते हो, और यहाँ पर वन प्लस 8 में आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है फ्रंट कैमरे में, ये चीज़ अच्छी है। बाकी वन प्लस नॉर्ड में आपको 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, और वन प्लस 8 में 16 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर भी वन प्लस नॉर्ड का कैमरा मुझे ज़्यादा बेटर लगा। बाकी यहाँ पर हम लोग एक्चुअल फ़ोटोज़ के अंदर दिखाएंगे आपको कि कैसी फ़ोटोज़ है। दोनों की फ़ोटोज़ अगर नॉर्मली फ़ोन पे देखो तो बहुत ज़्यादा आप फ़र्क नहीं समझ पाएंगे, और अगर लाइटिंग काफ़ी ठीक ठाक है तो बहुत ही मुश्किल होता है फ़र्क समझना क्या है। बाकी यहाँ पर जो आपको मैंने अभी सबसे पहले सैम्पल लिया था वो आप देख सकते हो, दोनों की फ़ोटोज़ ऑलमोस्ट इक्वल है। हल्का सा मुझे वन प्लस नॉर्ड में जो कंट्रास्ट है मतलब कलर का वो ज़्यादा बेटर लगा, और वन प्लस नॉर्ड में जो
इमेज जो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फैल नहीं रही है वन प्लस एट के कंपैरिजन में। उसकी इमेज मतलब जहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा वहाँ पर थोड़ी सी फैल जाती है, बहुत ही हल्की सी है। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड और नॉर्मल मोड एकदम पूरे डिट्टो सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्ड में जो कलर कंट्रास्ट है वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा, ज़्यादा रेडिश रेडिश लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में उतना है नहीं, तो वो चीज़ है। स्किन टोन भी मुझे दोनों की ही ओके ओके लगी, ये आपकी वाइड में फ़ोटो थी गाइस। यहाँ पर आपको खास डिफरेंस देखने को मिलता है क्योंकि अब हम लोग फोटोज़ आपको नाइटस्केप मोड की दिखाएंगे, क्योंकि नॉर्मल लाइट में तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो वन प्लस नॉर्ड का कैमरा यार, मतलब मैंने काफ़ी बार टेस्ट किया, वन प्लस नॉर्ड का नाइटस्केप बहुत तगड़ा है यार, मतलब वन प्लस एट से बहुत ज़्यादा तगड़ा लगा मुझे वन प्लस नॉर्ड का नाइटस्केप कैमरा। तो नाइट मोड के हिसाब से वन प्लस नॉर्ड आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब वो क्यों तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आप देखते हो ये हम लोगों की अल्ट्रा वाइड में फ़ोटो ली गई है, ये यहाँ पर हम लोगों की वाइड में फ़ोटो ली गई है, ये यहाँ पर आपको मिल जाता है 2x जूम पे फ़ोटो, आप देख सकते हो दोनों की कोई खास डिफरेंस नहीं। नॉर्मल मोड में ये आपकी 5x जूम है, और इसके आगे वाली फ़ोटो जो आप देख सकते हो ये हम लोगों की 10x जूम है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क आपको नाइट मोड में देखने को मिलता है। नॉर्मल फ़ोटोज़ में आप देख सकते हो दोनों की फ़ोटोज़ इक्वल आई। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग गाइस बात करें फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे में भी आप देख सकते हो नॉर्मल अगर आप फ़ोटोज़ देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये नॉर्मल फ़ोटो है, लेकिन यहाँ पर पीछे जो आप देख सकते हो क्लाउड्स वन प्लस एट ने काफ़ी बढ़िया मेंटेन किए हैं। बाकी जो पीछे से लाइट आती है वो वन प्लस एट उतनी अच्छी मेंटेन नहीं कर पाया, मुझे समझ में नहीं आया। बाकी नाइट मोड में भी मुझे वन प्लस नॉर्ड का फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा लगा, तो वो आप देख सकते हो फ़ोटोज़ में। बाकी यहाँ पर वीडियो सैंपल्स भी दिखाता हूँ दोनों में। यहाँ पर गाइस जो स्लो मोशन रिकॉर्डिंग है वो सेम FPS की है, 240 FPS, तो यहाँ पर कोई भी फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम डिट्टो दोनों की रिकॉर्डिंग सेम है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर सैंपल डाल दिया ताकि आप देखकर समझ जाओ कि रिकॉर्डिंग कैसे है, तो दोनों का ही सेम है एकदम स्लो मोशन रिकॉर्डिंग। बाकी मुझे कैमरे के मामले में दोनों ही फ़ोन बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वीडियो है हम लोगों का, तो गाइज यहाँ पर आपने वीडियो देखा, दोनों की साउंड भी लगभग सेम है। यहाँ पर गाइज नाइट मोड में आपको वीडियो देखना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो वन प्लस नॉर्ड का जो नाइट मोड में वीडियो भी है वो भी ज़्यादा बेटर लग रहा है। आप देख सकते हो वहाँ पर आपको चीज़ें ज़्यादा दिख रही होंगी एज़ कम्पेयर टू वन प्लस एट। यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्ड में एक इंसान खड़ा है और वन प्लस एट में आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा बेटर लगी कि भाई नाइट मोड में यार मतलब वाकई काबिल तारीफ़ कैमरा था वन प्लस नॉर्ड का, जबकि यहाँ पर वन प्लस एट वन प्लस नॉट से जस्ट डबल का आता है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। Hey guys, आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग के पास है वन प्लस एट और हम लोग करने वाले हैं इसका डिटेल रिव्यू, यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इसके कैमरा के बारे में, अलग अलग कंडीशंस में वो कैसा वर्क करता है, गेमिंग टेस्ट यानी कि पबजी चलाकर भी देखने वाले हैं हम लोग कैसा वर्क करता है। बाकी यहाँ पर आपको स्क्रीन टेस्ट मिल जाता है कि स्क्रीन में कैसा है, तो आइए आते हैं वीडियो के अंदर, देखते हैं कि हम लोग का ये फोन कैसा है। तो मेरा नाम है अमन सचान, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपने स्क्रीन देखी वन प्लस नॉर्ड और दोनों की, तो दोनों की स्क्रीन आप 90 हर्ट्ज़ पे देख सकते हो, दोनों ही लगभग सिमिलर हैं। गाइज अभी हम लोग ज़रा पबजी टेस्ट करने वाले हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने दोनों को सेम वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर हम लोगों ने सारी ऐप्स को रिसेंट ऐप्स को हटा दिया है। अब हम लोग ज़रा पबजी ओपन करते हैं और देखते हैं कि किसमें गेम पहले लोड होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर वन प्लस एट पे पहले होगा, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर गाइज वन प्लस एट का जो प्रोसेसर लगा है वो वहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 855 का मिल जाता है 5G प्रोसेसर, और वन प्लस नॉर्ड में आपको लगा है स्नैपड्रैगन 765 का 5G प्रोसेसर। तो ऑब्वियसली प्रोसेसर वन प्लस एट का बहुत आगे है वन प्लस नॉर्ड से, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम लोग एक्चुअल में प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हो वन प्लस एट में जो है गेम ओपन हो गया है, और वन प्लस नॉर्ड में अभी भी लोड हो रहा है यहाँ पर गेम, और अभी फ़िलहाल ओपन हो गया है हम लोग का गेम। तो हम लोग इसको कट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का स्क्रीन रेजोल्यूशन सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स में हम लोग आते हैं ऊपर की तरफ आपको वन प्लस नॉट देखने को मिल जाता है, नीचे की तरफ वन प्लस एट।
यहाँ पर आप 8 में देख सकते हो, HDR तक जा सकते हो, और यहाँ पर एक्सट्रीम के बाद 90 FPS का भी ऑप्शन अब आ चुका है। लेकिन OnePlus Nord की बात करें तो सिर्फ आप HD में, वो भी हाई फ्रेम रेट तक जा सकते हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हो यहाँ पर 90 FPS वाला ऑप्शन भी आ गया है OnePlus 8 में, लेकिन यहाँ पर OnePlus Nord 90 FPS होते हुए भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं आया है। फिलहाल अगर गेम के अंदर जाने की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं किसका गेम पहले लोड होता है। यहाँ पर तो देख सकते हो आप, यहाँ पर OnePlus 8 पहले लोड हुआ है एज़ कम्पेयर टू OnePlus Nord। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में आपको OnePlus 8 ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर, गेमिंग के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा सही लगी, लुक के मामले में मुझे OnePlus 8 ज़्यादा बेटर लगा। बाकी यहाँ पर हम लोग दोनों का अलग अलग ज़रा आपको पबजी खेल कर दिखा देते हैं कि किसमें कैसा लगता है देखने में, और कैसी जो स्मूदनेस आती है वो कैसी आती है। फ़िलहाल अभी हम लोग ज़रा स्मूद और यहाँ पर अल्ट्रा फ्रेम रेट पर चलाएँगे, और OnePlus 8 को भी हम लोग स्मूद और अल्ट्रा पर चलाएँगे। यहाँ पर कोई भी पार्शियलिटी नहीं रहेगी, दोनों में हम लोग सेम में चलाएँगे। तो यहाँ पर अभी OnePlus Nord आप देख सकते हो। गाइज यहाँ पर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप गेम पे ध्यान देना, आप खुद ही देखकर समझ जाओगे यहाँ पर कि क्या डिफरेंस है। फिलहाल अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राफिक्स जो है फ़ोन के, वो मुझे काफ़ी सही लग रहे हैं, और जो कंट्रोल्स है वो भी ऐसा नहीं कि लैग कर रहा हो, फ्रेम ड्रॉप हो रहा हो, तो वो भी मुझे ओके लग रहा है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिलहाल अभी इस टाइम जो आप वीडियो देख रहे हो गाइज, ये OnePlus Nord का है, और ये हम लोगों का स्मूथ फ्रेम रेट पे अल्ट्रा पे चल रहा है। यहाँ पर अल्ट्रा या एक्सट्रीम, मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद अल्ट्रा पे है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यार, ऐसे जल्दी जल्दी आप अगर आप फ़ोन को मूव भी करते हो तब भी आपको ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं देखने को मिलती यहाँ पर। काफ़ी सही, मतलब गेम प्ले काफ़ी सही है इसका, मुझे OnePlus Nord का भी गेम प्ले काफ़ी सही लगा। लेकिन हाँ गाइज, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप पहले से OnePlus 8 Pro या फिर OnePlus 7 Pro या फिर OnePlus 8 या फिर कोई भी हाई एंड फ़ोन लाइक iPhone 11 या फिर iPhone 10 की कोई सीरीज़, इनमें गेम खेलते आ रहे हो बहुत पहले से, तो फिर आपको OnePlus Nord में डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये गेम थोड़ा लैग कर रहा है या फिर थोड़ा अच्छा कम चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली आप बहुत हाई एंड गेम फ़ोन से एक नॉर्मल बजट फ़ोन में आओगे तो आपको गेम में तो दिक्कत आने वाली है, मतलब कुछ दिन दिक्कत आएगी, ज़्यादा दिन दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ खास मुझे दिक्कत नहीं देखने को मिली, लेकिन हाँ यहाँ पर है थोड़ा बहुत, तो है ऑब्वियसली है यहाँ पर थोड़ा बहुत, क्योंकि उसकी ग्राफिक्स की बात ही अलग है। तो यहाँ पर गाइज अभी हम लोग OnePlus 8 में आ गए हैं, आपने OnePlus Nord का गेम प्ले देखा, अभी OnePlus 8 का भी दिखाता हूँ मैं आपको। सेम यहाँ पर सेम ग्राफिक्स पे हम लोग सेट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर इसको, जो हम लोग का ग्राफिक इस टाइम लगा हुआ है वो हम लोग का लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, स्मूथ और अल्ट्रा पे लगा हुआ है। 90 FPS भी ऑप्शन है लेकिन हम लोगों ने नहीं लगाया है उस पर। ऑब्वियसली फ़ोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मक्खन चलता है, एकदम आराम से चलता है, मतलब बहुत ही तगड़ा चलता है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर एक कंपैरिजन करने वाले हैं, तो हम लोग सेम लेवल पे हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। तो वो चीज़ आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ गाइस, यहाँ पर माफ़ करिएगा, यहाँ पर सामने आपको जो है एक पीछे से लाइट आ रही है तो वो स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो रही है, वो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम ध्यान नहीं दिया था, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ही, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, थोड़ा सा ही गेम प्ले है, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट उस पर बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पर बैंड बजी हुई है मेरी चारों तरफ से, और मुझे काफ़ी सही लगा फ़ोन, मतलब OnePlus
एट अपने हिसाब से सही है, अपने प्राइस के हिसाब से। वन प्लस नॉट अपने हिसाब से सही है, अपने प्राइस के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, वन प्लस अगर आप कंपेयर करते हो वन प्लस एट और वन प्लस नॉट को, तो एक्चुअल में कंपैरिजन बहुत, मतलब वैसा कंपैरिजन आप नहीं है। अब आप सोचो कि वन प्लस एट की आपको स्पेक्स मिल जाएंगी वन प्लस नॉट में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो महंगा फ़ोन है। तो यहाँ पर आपने देखा वो सारे स्पेक्स और सारा कंपैरिजन। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा कौन सा फ़ोन, और आप अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो फिर, या फिर 40,000 रुपये हैं तो आप वन प्लस एट लोगे या फिर वन प्लस नॉट और कुछ पैसे रख लोगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, नमस्कार, धन्यवाद।